महाराजा आप सबका अभिनंदन है आज हमारे बीच में गुरु जी की ब्ल संगत गुरु जी के जीवन काल की संगत गुरु जी के लाइफ टाइम की संगत धर्मेंद्र अग्रवाल अंकल उपस्थित हैं जिनसे गुरु जी का बहुत ही रूहानी नाता था आज संगत के लिए आए हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है धर्मेंद्र अंकल ओवर टू यू जय गुरुजी के वासन जी कैन यू हियर मी जय गुरुजी अंकल बहुत-बहुत स्वागत है आपका हां ठीक से थैंक यू सो मच आवाज पहुंच रही है ठीक से हाँ जी अंकल आपकी आवाज बहुत ठीक तरह आ रही है जय गुरुजी जी मैं बहुत-बहुत आभारी हूं शुक्राना करता हूं शुक्राना करता हूं गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूं मल्टीलिंगुअल मल्टीलिंग टीम का जिन्होंने ये शुभ अवसर मुझे यह प्रदान किया है अब इस इससे पहले कि मैं आ, अंकल मुझे आपका वचन आपने रिपीट करना है आज का वचन क्या है अंकल आज का जो वचन है वो वही है कि घर में जोर जलानी चाहिए इस रिलेटेड इससे पहले के वचन अंकल कि मैं आज का सत्संग शुरू करूं और वचन से शुरू करूं मे, मेरी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है क्योंकि आप जो ये सेवा कर रहे हैं आज की डेट में ये सारे वर्ल्ड में जा रही है ग्लोबल लेवल पे इसका टेलीवाइज होता है और ऑडियो जा रही है तो जो हमारे इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है उसको ले हमारे बहुत सारे इंडियंस भारतीय भाई बहुत सारे तो आ गए हैं बहुत सारे फंसे हुए हैं तो मुझे पूरी आशा है कि अपनी संगत से जुड़े हुए इस सत्संग से जुड़े हुए उन चार कंट्रीज़ में जो बॉर्डर पे हैं जैसे तो रोमानिया पोलैंड हंगरी स्लोवैक रिपब्लिक उनमें भी कोई ना कोई आपकी सत्संग संगत होगी शायद आपका उनसे कोई नाता हो तो गुरु ने हमारा ये परिवार बनाया है गुरु ने परिवार इसीलिए बनाया था कि हम सब एक हैं एक दूसरे के साथ काम आ सकें तो अगर कोई है तो उन्हें प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जिस किसी की भी कोई सेवा कर सकते हैं किसी को आश्रय दे सकते हैं जरूर करें एक को तो या दो को मदद कर सकते हैं तो ये असल मायने में गुरु जी की बहुत बड़ी सेवा होगी आपने सुना ही होगा कि गुरुद्वारा साहब और मंदिर में उन कंट्रीज में वहाँ पर लोगों को तो आश्रय दिया गया है तो ये मेरी बेनती थी मैं अब अपने सत्संग के लिए आगे प्रोसीड करता हूँ वसन अंकल मैं आपका अंकल बिल्कुल आपके मैसेज क्लियर है जी मैं 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 आपका एक बार फिर से आभारी हूँ देखिए जिस दिन शिवरात्रि थी शिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व था और उस दिन मेरा मन थोड़ा उदास था उदास क्यों था कि मैं बहुत दूर बैठा हूँ गुरु तो से गुरु जी तो सब जगह विद्यमान हैं आपके दिल में हैं आपके आसपास हैं लेकिन वो जो एक उत्साह होता था उल्लास होता था कि आज शिवरात्रि है तो हमको मंदिर में जाना है तो मन में कहीं पर वो कसक चल रही थी कि ना हम जलंधर मंदिर के पास हैं ना हम बड़े मंदिर के पास हैं ना हम छोटे मंदिर के पास हैं तो गुरु जी कैसे वो आनंद मैं कैसे ले पाऊँ तो ऑल ऑफ़ ए सडन आपकी तरफ से ये संदेश आया कि मैं दस मिनट के लिए पंद्रह मिनट के लिए कुछ सत्संग शेयर करूँ ये बात सुन के बाद में विभोर भी हुआ और एक बार विचलित भी हुआ कि मैं कैसे करूंगा सत्संग क्योंकि जब भी गुरुजी का सत्संग करना होता है गुरु जी का तेज गुरु जी का प्रकाश सारे सारे ब्रह्मांड में इतना है कि मेरे जैसा एक जुगनू वो क्या क्या महिमा का गुणगान करेगा उनके प्रकाश का लेकिन खुशी बहुत होती है कि गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी है आपके थ्रू तो जो भी जितना भी मैं कुछ कर पाता हूँ गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी आप ही आइए आप ही हृदय में समाइए आप ही सत्संग कीजिए क्योंकि आपकी महिमा का गुणगान तो आपसे ही हो सकता है तो वो उन्होंने ये हमारी सुनी और आज फिर आपने उस दिन बोला कि मैं चार को करूँगा तो इसी उधेड़ बुन में था तो मैंने कहा नहीं गुरु जी मुझे मुझे खुशी है बहुत खुशी है और मैं कर पाऊँ बस ये ये मेरे को आशीर्वाद दीजिए तो जो आपने ये गुरु जी का वचन है कि हर 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 संगत को अपने घर में ज्योत जलानी चाहिए पूजा करने के लिए गुरु जी की आराधना करने के लिए इसका जो भाव है हमें वो समझने की ज़रूरत है पहली बात तो ये है कि हम लोग अपने जीवन में रूटीन्स में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम गुरु की गुरु को याद तभी करते हैं जब हमें कोई मुश्किल आती है या कोई हमारी ज़रूरत होती है तब हम गुरु को पुकारते हैं तो गुरु जी ने ऐसे सब संगत के लिए ये एक डिसिप्लिन बनाने के लिए बात कही है कि आप हर इंसान अपने जब पूजा करे ताकि वो उसके उसको एक डिसिप्लिन में बन जाए उसे टाइम निकालना पड़े कि मैंने इस समय नहा धो के गुरु जी की पूजा करनी है और घर में ज्योत जलानी है तो ज्योत है क्या ज्योत में आप शुद्ध घी जलाते हो और उसका प्रकाश होता है शुद्ध घी सूक्ष्म रूप में परमात्मा दोबारा जब वो प्रज्वलित होता है अग्नि के रूप में तो वो सूक्ष्म रूप में फिर से वातावरण को वातावरण में ही वापस सृष्टि भेज देती है उससे घर का वातावरण जो बैक्टीरिया होता है कोई जर्म्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं गुरु से गुरु जिस तरह इस ज्योत का प्रकाश है हमारे हृदय में भी आपकी ज्योत इसी तरह जलती रहे वरना जैसे आपको पता है कि गुरु ध्यान करने के लिए हमने ये शब्द बहुत प्यारा पहले दिन से सुना हुआ था मिठ्ठे लग दे गुरु जी तेरे बोल अमृत वे ले दे और आप देखिए कि हम 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 भक्तों में हम संगत में कितना कोई अमृत वेले जाग के ध्यान कर पाता है हम सब जानते हैं तीन बजे के बाद का ये अमृत वेला होता है हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए और अपना ध्यान अपने प्रभु में अपने गुरु में लगाना चाहिए लेकिन हमारा जीवन जीवन दिनचर्या या हमारा आलस्य हमें मजबूर बहुत कम बिरला ही है कोई जो उठते हैं और इसका इस गुरु अमृत वेले ध्यान करते हैं उसको भी गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया था कि अमृत वेला वही है जब आप मेरा ध्यान करो तो इसका भाव भी यही है आपके हृदय में ये ज्योत हमेशा जलती रहनी चाहिए गुरु की आराधना की ज्योत गुरु 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 के सिमरन की ज्योत उस प्रकाश की ज्योत जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है उस प्रकाश के रूप में आपके मन में सदा विराजमान रहे तो ये मेरे जहाँ तक मुझे कुछ समझ पड़ती है तो मैंने आपसे अपने आ... बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है त्रिवेंद्र अंकल बहुत बहुत, बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का अंकल आप अपना अंकल शेयर करें प्लीज जय गुरुजी जी, जी, जी अंकल अंकल देखिए अपना अपना ये इट वाज मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी कौर कौर थी क्योंकि आपने मुझे बुलाया और मैं कुछ सत्संग की सेवा कर सकूं सर क्योंकि आप ही से सुना है इसी फोरम से सुना है कि सत्संग करना एक सेवा होती है अगर हम और कोई सेवा नहीं कर सकते तो गुरुजी किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई सेवा जरूर देते हैं लेकिन मन में वही हेसिटेशन होती है कि इतनी प्यारी संगत जुड़ी हुई है उनको सब कोटी कोटि नमन है जो इस समय संगत जुड़ी हुई है उनको जय गुरुजी है तो वो कुछ प्रभु ऐसे ऐसे वचन अपने अपने सत्संग में बुलवाना जिसका सबको फायदा हो सके अभी आपके शब्द चले लग रहे थे मेरे मेरे तो सारे ख्यालों का मेरे मन में जो आव भाव चल रहे थे उसका जवाब आपके इन शब्दों से मुझे मिल गया जो अभी इससे पहले चल रहे थे बिन बोलिया सब कुछ जानता वही तो है जब हम पूजा करेंगे अपनी जो जलाएंगे वो तो पहले ही परमात्मा सबको जानता है हमें ही जुड़ना है हमें ही परमात्मा की भक्ति में लगना है कि परमात्मा हमें अपनी भक्ति से गुरु जी दूर मत करना तो आ इसके लिए आजकल जो मैं जब सुनता हूँ सब संगत को हम, मुझे लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं हमें जब गुरु जी ने अपने चरणों के साथ लगाया तो हमें तो एक, एक परिवार की तरह गुरु जी का प्यार मिला गुरु जी ऐसे जैसे फैमिली मैन होते थे वैसे हमने अपने पास बिठाते थे गुरु जी का वो और रूप वो फुल ऑफ और वो तेज वाला रूप जब आप गद्दी पे बैठते थे वो वाला रूप भी देखा और गुरु जी का एक आम इंसान का रूप जब वो पैंट शर्ट में बैठते थे हाफ शर्ट में बैठते थे ऐसे बीच में बैठ जाते थे परिवार की तरह बातें करते थे भोले बन जाते थे और भोले बन के बच्चे बन के आपसे कोई बात देखता कि होया मू कितना होया तो उस समय परमात्मा परमात्मा साथ थे परमात्मा हर रूप में पर वो इसलिए ऐसा करते थे कि हमारे भाव में ये 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 ना लगे कि हम 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 कुछ आगे उनसे अपना मन ही नहीं शेयर कर सकते या कोई बात ही नहीं कर सकते तो इतने सुरीले सत्संग आपके इस फोरम से संगत सुनाती है इतने शब्दों का वो माला पिरोती है जो वो गुण मेरे में बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए मुझे ये लगता था कि भाई मैं ये सत्संग कैसे करूँ आप देखिए से कोरोना से पहले सत्संग जो है इतने ज़्यादा सत्संग हर घर में होने शुरू हुए हर मंथ होने शुरू हुए और वो सत्संग का स्वरूप ऐसा हुआ कि वो बहुत आलीशान और बड़े लेविश लेवल के ऊपर सत्संग होने शुरू हो गए तो उसमें आप सारे जो संगत आती है उसमें उस संगत में हर लेवल के संगत आती है लेकिन मैं मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ हम जैसों के मन में औरों को देख के ऐसा लगता था कि अरे हम भी कभी ऐसा लाविश कर सकेंगे या हम भी ऐसा कर पाएंगे वो दूसरी तरह की एक दौड़ शुरू हो जाती थी तो मुझे तो लगता है मेरे गुरु ने इसी इसीलिए ये सिस्टम को बदला और इस करोना काल में ये जो सत्संग ऑनलाइन शुरू हो गए कि या इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं हर संगत जो गुरु जी से जुड़ी हुई है जो उनकी आराधना करनी चाहती है वो जुड़ सके और उनके चरणों में वो सब बराबर हैं तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया और घर घर आपके पास बैठे हुए अपनी सहूलियत के साथ आप उनका सत्संग का आनंद ले सकें गुरु जी की कृपा ले सकें गुरु जी तो हर पल हर श्वास आपको कृपा कर रहे हैं कृपा दे रहे हैं अगर कोई कमी है तो हम में है हमारे भावों की कमी है तो सत्संग में बहुत सारी संगत ने गुरु जी की बहुत सारी मेरेकल्स के बारे में भी बताया मेरेकल्स गुरु जी को मेरेकल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरु जी तो भाव के भूखे भगवान तो अपने भक्त के भाव के भाव के साथ साथ चले आते हैं आप पुकारो तो सही वही साथ बैठे हैं आप इसको किसी रूप में ले लो और फिर दूसरी बात ये थी कि जो एहसास गुरु जी आपको हर इंडिविजुअल सोल से कराते थे वो आपका एहसास है मैंने पहले भी इसको कहा है और गुरु जी भी ये कहते थे कि उसको ज़्यादा आपने ओपन में प्रोजेक्ट नहीं करना होता उसको अपने तक ही रखना होता है और परिवार में गुरु परिवार में जुड़ना मिलना सच्चे भाव से जुड़ना निस्वार्थ भाव से जुड़ना और एक दूसरे की सेवा करना जैसे परिवार में कहते थे माता पिता का आदर करो पति पत्नी का आदर करो एक बच्चों को बच्चों को प्यार करो उनकी सेवा करो घर में जो आप लंगर बनाते हो आप ही का घर जब आपका घर आपका घर ही मंदिर है अगर उस उस घर में जो भी आप काम करोगे मेरा जाप करते हुए मेरा सत्संग करते हुए मन में मुझे ध्याते हुए करोगे तो वो मंदिर वहीं पर हो जाएगा मैं आपके साथ ही हूँ और सारी जो आपकी इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएंगी मैं आपको एक सत्संग शेयर करता हूं उसको आपकल का रूप कह लें क्या कह लें जलंधर मंदिर हमेशा गुरुजी ने इसको क्वार्टर का नाम दिया जब गुरुजी जी वहाँ थे और जब वहाँ से गुरुजी ने शिफ्ट किया चंडीगढ़ पंचकूला चले गए और उसके बाद दिल्ली चले गए और फिर ये बड़ा छोटा मंदिर और बड़ा मंदिर और फिर डुगरी मंदिर इन सब की धीरे धीरे स्थापना हुई तो हमेशा गुरुजी संगत को दिल्ली से या चंडीगढ़ पंचकिला से जिसका कल्याण करना होता था उसको जलंधर मंदिर भेजा करते थे जलंधर मंदिर मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है जब गुरुजी चले गए तो इट वाज नॉट ओपन टू पब्लिक वो संगत के लिए ओपन नहीं था सिर्फ सेवादारों की जो ड्यूटी लगी हुई थी वही उस संगत में वहाँ वही वहाँ पर सेवा करते थे और जिनका गुरु जी को उदेश आता था कि भाई इनको दर्शन कराने हैं तो उनको वहाँ क्वार्टर के दर्शन कराए जाते थे और चाय प्रसाद गुरु जी की कृपा से मिलता था तो वो फिर जाते थे इसी हेड क्वार्टर को लेकर मैं आपको बताता हूँ कि जब गुरु जी चले गए तो हमारा मन बहुत उदास रहता था कि हम तो हर बार दिल्ली नहीं जा सकते हर बार चंडीगढ़ नहीं जा सकते क्योंकि आपके आपके पास इतने मीनस नहीं होते टाइम ये उस समय जैसा था वैन यू आर बिजी इन योर ओन शेड्यूल्स एंड सर्विसेज एंड ऑल दैट नहीं होता था तो गुरुजी से ये अरदास करता था वहाँ जाके वैसे तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था गुरुजी से फिर भी हिम्मत करके मैंने मुझे मुझे याद है मैंने 2007 से पहले दो तीन बार हिम्मत करके गुरुजी आप ये उसी साल के उससे पहले मैंने जब गया तो मैंने कहा गुरु जी तुम्हें आओ ना हूँ जलंधर आ जाओ ना इन्नी देर हो गई तुम जलंधर तो आ गए हो हाँ मैं आ रहा हूँ तो चल मैं आ रहा दिस ऑलवेज यूज़ टू से मैं आऊँगा मैं आ रहा मैं जलंधर आ रहा तो उन्होंने चोला छोड़ने से पहले महासमाधि लेने से पहले जलंधर मंदिर की सेवा अपनी ड्यूटी लगा दी सेवादारों की अंदर जो दरबार हाल का था कारपर था वो बदलवा दिए कट्टन बदलवा दिए गुरु जी ने अपनी वार्ड जो थी वो अपनी वार्ड चेंज करवा दिए और नए वार्ड नए नए भिजवा दिए तो हमें वो बहुत बड़ी आशा बन गई मन में कि हाँ अब तो गुरु जी आने वाले हैं किसी समय भी गुरु जी आ जाएंगे तो इसी इसी दौरान जब ये चल रहा था हमारे मन में कि गुरु जी आएंगे जलंधर मंदिर में आएंगे तो गुरु जी ने महासमाधि ले ली तो विच वॉज़ ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू फॉर एस हमें समझ में नहीं आ रहा था सब कुछ लॉस्ट हो गया था सब कुछ जैसे कमले हो गए हैं ना उदा ओद वी वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट तो उस उस दिन जिस दिन गुरुजी जी ने महासमाधि ली संगत जी मैं यहाँ नहीं था मुझे गुरुजी ने दूर भेज दिया था मैं सिक्किम में था मैं दो तीन दिन के लिए सिक्किम चला गया था और उस रात जिस रात गुरु ने महासमाधि ली उस रात में सारी रात बहुत बेचैन था मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा था बार बार जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी और मेरी फिजिकली भी जैसे मुझे आई वॉज हैविंग बैड टमी एंड मुझे वो अंदर बहुत हॉल उठता ना पंजाबी जिस तरह कहते हैं हॉल उठते पे सके बहुत परेशान सी सारी रात में जाग के बस तो मैं यही कहता रहा कि गुरु जी क्या बात है गुरु जी आप क्यों मैं मैं क्यों परेशान हूँ मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ मैं क्यों क्या बात है घर में तो सब ठीक हैं इंसिडेंटली मेरी यंगर डॉटर वो उस समय ठीक नहीं थी और मैं बस भेज दिया गुरु जी की माया है उन्होंने भेज दिया मुझे यहाँ पर और फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग में कॉल आई जलंधर से निर्मल आंटी की कॉल आई कि गुरुजी प्रार्थना करो गुरुजी ऐसे एम्स में ले गए हैं तो प्रार्थना करो तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मैं इसके साथ ही एक और रिलेटेड बात आपको बताता हूँ इस हैपनिंग से दो साल पहले एक बार मुझे वैसे बहुत कम गुरु जी के विजन्स आते थे जैसे संगत को यहाँ जो संगत बहुत जुड़ी हुई है उनको तो हर पल हर चीज़ में गुरुजी दर्शन देते हैं नज़र आते हैं तो मुझे ऐसा नहीं था मुझे बस गुरुजी की फ्रैगरेंस मिलती थी कभी कभी और विजन आते थे तो वन मॉर्निंग अबाउट टू टू एंड हाफ़ इयर्स बिफोर दिस हैपनिंग तो मेरे को एक ड्रीम आया और ड्रीम में मैं क्या देखता हूँ कि गुरु ने जैसे ऋषि मुनि समाधि लेते हैं वो सिटिंग पोजिशन में उन्होंने समाधि ले ली है और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर घेरे हुए हैं उनको कंधों पे उठाए हुए हैं और मैं बहुत दूर मैं बहुत दूर बहुत दूर से उनको देख रहा हूँ अपने पाँव उच उचक उचक के देख रहा हूँ अरे ये, ये क्या हुआ ये क्या हुआ और उस मॉर्निंग मैंने उठ के अपनी वाइफ से अपनी ये 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 शेयर किया कि दिस इज़ व्हाट आई हेपन अर्ली मॉर्निंग तो ये इन्होंने मुझे डांट दिया मैं क्या मैं बहुत परेशान हूँ मैं बहुत विचलित हूँ मैंने ये क्या देख लिया तो कहते हैं आप तो ऐसे ही कोई और आपका क्या देखा आपने ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है आप शांत रहो आप मन में ऐसा विचार मत लाओ गुरुजी हमारे पास हैं गुरुजी जी का आगे अब ऐसे ही हमारे पास ही रहेंगे आपने ऐसा विचार क्यों लाए क्यों, कैसे कैसे उल्टा सीधा सा विचार आपके मन में आ गया मैं क्या नहीं पता नहीं है क्या हुआ और तो मैंने ये इसलिए आपको शेयर किया संगत जी उसके बाद मैं वहाँ पर महासमाधि दिवस पे उस दिन मैं नहीं पहुँच सका गुरुजी के चोला जिस दिन छोड़ा है सब सब संस्कार वहाँ पर किए गए मेरे मैं वही वही चीज़ हुई मेरे को वहाँ नहीं पहुँचना था मैं वापस जलंधर आया बाद में नेक्स्ट उस दिन उस रात को नेक्स्ट डे में आया पर मैं दिल्ली नहीं जा सका तो जैसे उस समय मैं मंदिर गया जलंधर मंदिर गया तो वहाँ पर दो बच्चों की ड्यूटी लगी हुई थी क्योंकि सुदामा जी जो वहाँ थे और सारी जो संगत थी वो पहले ही गुरु जी के वहाँ पर चले गए थे दिल्ली चले गए थे सिर्फ मैं उस संगत सेवादारों में से मैं नहीं गया था या दो सेवादारों की वहाँ पर ड्यूटी लगी थी जिनमें से एक किशोरी अंकल का बेटा था जो बहुत कम आता था वहाँ पर और दूसरा एक और जो उनके साथ ही लड़का काम करता था वो आता था तो उसने मुझे ये बताया कि गुरुजी यहाँ पर जिस जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली है उस रात को गुरुजी जी वहाँ जलंधर मंदिर में आए थे मैंने कहा हाँ ये कैसी बात कर रहा है तू गुरु जी जलंधर मंदिर आए थे हाँ कहता है क्या हुआ कि आधी रात को करीब बारह एक बजे के बाद किसी ने ज़ोर से मंदिर के जो खिड़की खिड़कियाँ थी उसके ऊपर जैसे लगता है किसी ने कुछ ज़ोर से बाहर से फेंका हो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई बहुत ज़ोर से आवाज़ आई तो उसने सोचा कि शायद वहाँ बाहर ट्रैफिक जाता है कुछ जाता है उस वजह से कोई पत्थर उड़ के यहाँ पर लग गया क्योंकि कॉर्नर फ्री अंडर डिफेंस कॉलोनी जो है वो कॉर्नर का स्पॉट है तो वहाँ ट्रैफिक आना जाना दोनों साइड से बहुत लगा रहता है दिन रात चलता ही रहता है तो उसने शांति रखी मन में कि कोई बात नहीं और दोबारा फिर उसने अपना आ, थोड़ी देर में वो अपना वहीं पर क्योंकि वो दोनों बच्चे जो हैं गुरुजी के दरबार हॉल में गुरुजी के आसन के सामने ही वहाँ पर वो सो रहे थे थोड़ी देर में उसने कहा कि मंदिर के दरवाजे पे नॉक हुआ तो वो लड़का जो किशोरी अंकल का बेटा था वो तो सो रहा था तो दूसरा बच्चा जो पहली बार आया था जिसने के गुरु जी के पहले कभी दर्शन भी नहीं किए थे वो लड़का उसने सुना ज़रूर था अपने 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 मालिक से किशोरी अंकल से उनके परिवार से गुरुजी की महिमा का गुणगान सुना हुआ था तो उसने खोला तो सामने गुरुजी खड़े थे तो मैंने ये भी कहा कि बच्चे तुझे कोई ये नहीं तुझे पता था गुरुजी ने वहाँ समाधि ले ली कहता नहीं मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई मुझे कुछ नहीं हुआ तो गुरुजी अंदर आ गए गुरुजी अंदर आके दरबार हॉल में आ गए और आके वहाँ पर वो अपना चक्कर लगाया और आके आसन पे बैठ गए तो इसने कहा लड़के ने वो लड़का अभी किशोरी अंकल का बेटा सो ही रहा था इसने कहा कि गुरु इसको उठा दूँ तो कहते नहीं तू रहने दे इसकी किस्मत में नहीं है तो गुरु जी पर बैठे उसको विराजमान हुए और उसके बाद वे आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स एक जैसे हवा का हवा झोंका जो ज़ोर से आता है और उसकी आवाज़ आती है ऐसी आवाज़ के साथ गुरु जी अदृश्य हो गए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गुरु जी का कश्मा था गुरु जी ने वहाँ पर आके अपने साक्षात विराजमान हो गए अपने हेड क्वार्टर के ऊपर गुरु जी हर जगह विराजमान हैं गुरु जी बड़े मंदिर में विराजमान हैं गुरु जी डुबरी मंदिर में विराजमान है गुरु जी छोटे मंदिर में विराजमान है गुरु जी जलंधर मंदिर में विराजमान है गुरु जी हम सब के संगत के दिलों में विराजमान है गुरु जी के अंग संग गुरु जी अंग संग है और गुरु जी ने मुझे ये एहसास भी दिलवाया उस समय जब गुरु जी ने महासमाधि ली तो मैंने बताया कि मेरा मन बहुत टीस मार रहा था बहुत बेचैन था तो गुरु जी कहते कमया मैं कहीं नहीं गया मैं तो ये शरीर रूप छोड़ा है मैं यहीं पर हूँ मैं पूरे ब्रह्मांड में और हर आप सबके साथ हूँ हर किसी के साथ हूँ मैं किसी को भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को अकेला छोड़ नहीं सकता तो ऐसी बात है तो मन में ये संतोष दिया और मैंने ये कहा भी कि गुरु जी अब आप अब आप मेहर करो अब आप मेहर करो और अपना दो ना दर्शन दो लेकिन बस वो एहसास वो श्रद्धा जो हम मन में पाले हुए हैं वही हमारा सोर्स है तो संगत जी मैं मैं शुरू से ही जब गुरुजी साक्षात चोले में थे तो मैं कुछ अपनी ओर से अब जैसे जोत तो नहीं जला पाता था क्योंकि आ, ऐसा ज, जला लेता था जब कभी जोत जलानी हो ना ही गुरुजी ने ऐसा कभी ये सोचा कि अगर नहीं जला पाते तो कोई भ्रम करने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बाइंड नहीं कर सकते जो समय नहीं निकाल सकते तो उनके लिए एक बाइंडिंग हो जाएगी कि अच्छा मैंने जलाया है तो प्रैक्टिस हो जाएगी और धीरे धीरे आपके मन में वो भाव आने हमेशा रहेगा चलते फिरते सोते जागते बस जय गुरु जी का पाठ करो जय गुरु जी को नमन करो तो मैं अपनी जो मॉर्निंग दिनचर्या शुरू करता हूँ तो मैं दो प्रेयर्स दो चार प्रेयर्स करता हूँ वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा और अपनी आगे लाइफ जर्नी शेयर करने से पहले आशा है मुझे ज़ात है आपने लिख दिया कि हिंदी और पंजाबी में तो वैसे तो मेरे पास एक इंग्लिश की भी थी तो मैं आपको पहले हिंदी की गुरु जी की प्रार्थना मैं सुनाता हूँ शायद आपने से किसी ने सुनी भी हो जो मैं रोज़ सुबह करता हूँ जब गुरु जी को आराधना करता हूँ मैं विश्व के रखवाले हम सबके पालनहार तुम सबके हो दाता बड़े ही दीनदयाल प्यारे गुरुदेवा जय 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 महादेवा जय 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 गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा ओम 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 नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम 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 शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम 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 नमः शिवाय कुरु, कुरु 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 ओम 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 हरि नमाए हरि सदा सहाय शरण में तेरी रहूं तू ही रक्षक मेरा मोक्ष तू ही देवा तेरी करे हम सेवा प्यारे गुरुदेवा जीवन नैया पार लगाए बीच मझधार से उठाए शरण में उसको जो भी आए उसको गुरुजी उसको अपनी सेवा में लगाए राह तो गुरु ही दिखाए धरती पर अवतार चाहे आए राम और काना ने भी करी गुरु सेवा सतगुरु कृपा तुम बरसाओ हम सबको राह दिखाओ प्रेम पथ पर तुम चलाओ प्रेम बाणी से दिल जीत जाओ प्यारे गुरुदेवा फिर से पावन दरस दिखाओ गुलाबों का चमन बसाओ चरण कमल दीजो गुरुदेवा प्रेम अमृत हो मेरा प्यारे गुरुदेवा मेरी आन भी तू शान भी तू मान भी तू अभिमान भी तू सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा तू ही तू मेरा मैं तेरा तू मेरा प्यारे गुरुदेवा तू ही शिव तू ही राम तू ही स्वराष्ट्र तू ही शाम जीसस अल्लाह तेरे नाम जानू यही सुबह शाम प्यारे गुरुदेवा तू ही चंदा सूरज तारे तू ही सब तू ही सूरज चंदा तारे सारा ब्रह्मांड तेरा तुम तू ही चंदा सूर्य तारे सारा ब्रह्मांड तेरा दाता तुम माता तुम पिता भी तुम गुरु सतगुरु सर्वश्रेष्ठ मेरा कल्याण सबदा करदा जाए प्यारे गुरदेवा जय 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 महादेवा जय 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 महादेवा जय 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 गुरदेवा ये पंजाबी की भी है औखी जा तू मेरे वल है ता क्या मुछंदा तो सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोटी ना एवं खाई खर्च रहता लक्ष्य चौरासी वेदनी सब सेव करा वैरी मत सब कीत्या ना मंगदी मंदा लेखा कोई ना पूछे ही जा रही बख्शंदा आनंद पाया सुख पाया मिले गुरु गोबिंदा आनंद पाया सुख पाया मिले गुरु गोबिंदा सबे का सवारिए जापवन दा तो ये दो प्रार्थना थी मैं इंग्लिश की अभी नहीं इसमें और आगे नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो अंकर, 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 अंकर भी बोल दीजिए प्लीज़ थैंक यू जी थैंक यू सो मच Thank you. Give me a minute, please. Bless me, O my Lord Divine, that I may see Thy glory shine. Uh, bless me, O my Lord Divine, that I may see Thy glory shine. My Guru Bhagawan Divine, bless Thou my ear, the loving voice that I may hear, the voice of peace that brings such calm. To mankind in the midst of harm. Bless my tongue, my Shiva divine, the holy names that I may sing, and of the greatness which is thine that heals the world of suffering. My Lord divine, bless thou my eyes, that I may see dawn's early rise, when thou the sun gives us light and shows the path to greater height. Bless my heart, O Guru Bhagwan my Lord.

सारे कार्य इससे शुरू होते हैं क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इस समय विदेश में बैठा हुआ हूँ तो मैं अपनी उसी इस बच्ची के बारे में छोटी डॉटर के बारे में जिनको पहले ही गुरु ने मेरी बेटियों को जब ये स्कूल में पढ़ती थी तो ब्लेस किया था कि एक इंजीनियर बनेगी और एक डॉक्टर बनेगी तो मैं इसी की जर्नी बताता हूँ जब इसने प्लस टू कर लिया तो हमने इसकी एंट्रेंस एडमिशन के लिए कोशिश की कि मेडिकल में जाना चाहती थी तो मेडिकल में एम बी बी एस में नहीं हुई मार्क्स इसके अच्छे थे लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको जैसा पता है बड़े टफ़ होते हैं तो जैसी गुरु जी की कृपा थी वैसा उसमें नहीं हुआ लेकिन मन में था कि चलो अगर वो नहीं है तो बी डी एस ये बी डी एस कर सकती है तो बी डी एस के लिए कोशिश करते हैं तो प, जब पंजाब में बी डी एस की काउंसलिंग हुई तो उस समय क्योंकि जितने भी कॉलेजेस थे प्राइवेट कॉलेजेस पंजाब के सब में या 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 एक और मेरा का जो गवर्नमेंट अप्रूव थे तो उसमें सब में फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन जो है रिजर्व कैटेगरी चली थी तो बाकी जो फिफ्टी परसेंट थी उसमें फिर आपकी मेरिट आती थी जिसमें आपको एडमिशन लेनी होती थी अनफॉर्चुनेटली उनमें भी जो फिफ्टी परसेंट उसमें जो प्राइवेट कॉलेज थे वो इनके मेरिट के हिसाब से शी वॉज़ नॉट एबल टू मैनेज अ सीट इन द फिफ्टी परसेंट अनरिजर्व सीट विच इज़ ओनली नॉर्मल फीस एंड नॉट देर इज़ नो कैपिटेशन फीस इन ऑल पर जिन कॉलेज़ में मिलती थी उस समय वो प्राइवेट कॉलेज बड़ी बड़ी कैपिटेशन फ़ीस मांगते थे और हमारी ये हिम्मत नहीं थी कि हम कैपिटेशन फ़ीस दे सकें तो हमने कहा कोई बात नहीं गुरुजी ने कहा है तो बेटा कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा तो एक नया कॉलेज ड्रॉपअप हो गया उस समय पंजाब में तो मैंने लोगों से कंसल्ट किया जिनको नॉलेज थी जिन्होंने इस कॉलेज को अप्रूव किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं दिस कॉलेज इज़ वेरी ये आएगा और इसने इसने प्रोग्रेस करनी है और इसमें अपने आगे आगे हायर एजुकेशन चलेगी तो आप बिना किसी रिस्क के आप और बाकी कॉलेज़ में अपनी काउंसिलिंग में मत ऑप्ट कीजिएगा इसी कॉलेज के लिए ऑप्ट कीजिएगा क्योंकि तो इसके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होंगे तो हमने उस कॉलेज के लिए वो ऑप्ट किया जो नया कॉलेज आया था उसमें क्या हुआ कि हमें उम्मीद थी कि अब इसमें इसकी मेरिट अच्छी है और इंटरव्यू में आ भी गए शिवाज नंबर टॉप टेन लोगों में ये आ गई उसमें मेरिट में लेकिन फिर क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी थी फरीदकोट यूनिवर्सिटी थी मेडिकल साइंसेस की यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से डायरेक्टिव आ गया कि इसमें अब दोबारा काउंसलिंग होएगी और जो रिजर्व कैटेगरी के, के अभी बच्चे रहते हैं उनको पहले कंसिडर किया जाएगा और फिफ्टी परसेंट सीटें जो हैं वो ईयर मार्ग है अगेन और इन बच्चों को फ्री सीट नहीं मिलेगी लेकिन इसको पर गुरु जी की कृपा से इसको वो सीट मिल गई बिना कैपिटेशन फ़ीस के और उन्होंने वो सिक्योरिटी ली हमने कहा कि ये सिक्योरिटी कैपिटेशन फ़ीस ले रहे हैं बाद में मार लेंगे बट ऐसा नहीं हुआ शी क्लियर आउट हर डेंटल डिग्री तो उस समय उन्होंने कैपिटेशन फीस भी गुरु जी ने ना कैपिटेशन फ़ीस नहीं जो सिक्योरिटी ली थी एज़ पर देयर वर्ड्स वो उन्होंने वापस कर दी तो दैट वॉज अ करिश्मा इसका जाना हर साल में वहाँ पढ़ना आगे बढ़ना एग्जाम्स देना और गुरुजी ने हर पल इसका साथ दिया एग्ज़ाम्स में भी दिया वाइवा में भी दिया ये अपनी टॉप स्टूडेंट थी कॉलेज की आई बी रॉन्ग इफ आई से शी वाज़ फर्स्ट और सेकंड ऑलवेज कमिंग एट दैट रैंक लेकिन जब इसका फाइनल वाइवा आया तो फाइनल वाइवा में पता नहीं क्या हुआ क्योंकि शिक्त आंसर टू द आउटसाइड जो आते होते हैं एग्जामिनर्स उनको आई नहीं लेकिन गुरु जी की कृपा थी इनसे कहा कि नहीं आया मैं तो रह गई आई वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इट मैंने जवाब ही नहीं दिया बट विद विध गुरु जी इज़ ग्रेस शी क्लियर शी कलर्ड विद फ्लाइंग कलर्स एंड समझ ही नहीं आया इसको मैंने कहा मैं तेरे को कहता था कि तू जो मर्जी करा गुरु जी तो सफ़ेद काली जो बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में कुछ लिख के नहीं आते थे तो उनके लिए उनके लिए सफ़ेद पेपर छोड़ के आते थे तो उनको फर्स्ट डिवीजन में लाए थे बच्चे तुमने तो बहुत मेहनत की है तो तुम्हारे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा तो इस इसकी जब इसकी फ़ाइनल आ रहा था तो उसी साल उसी महीने मेरी भी ऑफिशियल रिटायरमेंट थी तो उस लास्ट महीने में मैं मेरे को गुरु ने हर वीक वहाँ पर बुलाया बड़े मंदिर बुलाया ऐसे साधन बना दिए जलंधर से मैं बाई कार हर सैटरडे संडे को वहाँ जाते थे गुरु जी के चरणों में आगे पीछे भी जाते थे लेकिन उस भी उस, उस मंथ में गुरु जी ने मेरे को हर वीक बुलाया तो मेरा दिल बहुत आभारी हो गया और जब गुरु जी के पास जाता तो गुरु जी मुस्कुरा देते हंस के कहते वेर आगे रिटायरमेंट हंस दे तो मैंने कहना अपनी वाइफ से मैं कहा गुरु जी ने सबको कितनी कितनी नौकरियाँ लगवा दी मेरे को तो हंस देते हैं और कुछ कहते नहीं हैं और फिर 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 कहना चलो ऐश करो ऐश करो और वो उनकी कृपा है कि गुरु जी ने ऐश करवा रहे हैं अभी तक ऐश करवा रहे हैं आज मुझे सोलह साल रिटायरमेंट को हो चुके हैं ऐश करवा रहे हैं सुखी जीवन दिया हुआ है गुरु जी ने फिर उसके बाद जैसे माँ बाप की होती है चिंता तो मैंने इस बेटी की शादी के लिए चिंता करनी शुरू की गुरुजी गुरुजी की इतने प्यार था गुरुजी जैसे मैंने सुना है सत्संग में बहुत सारे सत्संग में सुना है और औरों से भी सुना है कई सत्संगी लोग मुझे मेरे कड़ी कह देते थे कहते थे कि गुरु जी ना बहुत सख्त हैं गुरु जी बहुत पार बहुत बहुत परीक्षा लेंदे हैं गुरु जी गुरु जी बहुत थोड़ू सख्ती थोड़ा डील करते हैं मैं कह नहीं मेरे को पता नहीं आई डोंट नो मेरे को तो प्यार ही मिला है मैं इतना लकी हूँ मैं कह नहीं सकता आप ये शब्द कैसे इस्तेमाल करते हो या लोगों ने कहना जब गुरु जी की महासमाधि ले ली उसके बाद जो संगत आने लगी उसके संगत के मुँह से पहली बार हमने सुना कि गुरु जी ता निचोड़ के रख देंगे दे, गुरु जी ऐसा कर देंगे दे दे। तो विच्वास जो मेरे तो ऊपर से निकल जाते थे वो शब्द मुझे मन में हर्ट भी होता था कि वो तो उनके से उनके पास तो प्यार के सिवाय कुछ है ही नहीं आप भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को सौ गुना माफ़ किए थे फिर जाके उसका किया था गुरु जी तो गुना माफ़ ही करी करे जाते हैं प्यार करते हैं वो आपको कहते हैं कि आप मैं हूँ कोई बात नहीं तुमने किया अगर मन से अगर आप अपनी गलती का एहसास कर लेते हो कि मैंने ये गलती की है मुझसे भूल हुई है तो गुरु जी हमेशा आपका कल्याण करते हैं तो ये बात मेरे मन के नीचे नहीं उतरती क्योंकि तो गुरु जी साक्षात भगवान इस धरती पर आए थे जिनको हम हमारी हमारे लोगों का जो उनके और में उनके प्रेजेंस में आ जाता था उसकी पूरी स्क्रीनिंग करके रख देते थे उसके मन में क्या चल रहा है वो क्या सोच के आया है वो कहाँ कहाँ जाता है वो पहले कितनी चीवनियाँ काट के आया है कहाँ से आया है अभी आने वाला आज क्या है कल क्या है तो वो परमात्मा जिसका जो देने ही आए थे वो हमसे तो कुछ लेने ही नहीं आए थे उनका ये आम एक वचन था कभी कई बार उन्होंने कहा जा आज उन्होंने बुला लिया सारा उन्होंने कल्याण करा जा आज अपने अपने जितने मैं आए स्टे इन एरिया वहाँ वहाँ ओथो एरिया वाले लाया पर ये किस्मत है ना कोई लोग सुनते भी नहीं हैं जब किसी से ऐसी बात कही जाए कि भाई चलो आपका गुरु जी के दर्शन करा दें गुरु जी से आपको आशीर्वाद ले लें तो लेकिन हमारे जो संस्कार हैं हम लेके आए हुए हैं अपने कर्म लेके आए हुए हैं वो आपको आगे नहीं आने देते उस तरह से वो हमारी बारी नहीं आई होती तो वो भगवान जो सिर्फ देना ही चाहते थे सबका कल्याण ही करना चाहते थे आपको सन्मार्ग में चलाना चाहते थे वो आपको क्या निचोड़ेंगे वो आपका क्या नुकसान करेंगे वो आपकी परीक्षा क्यों लेंगे उन्होंने आपकी परीक्षा क्यों लेनी है वो आपसे क्या कुछ वो तो आपसे कुछ मांगते ही नहीं हैं सिर्फ आपका भाव मांगते हैं आपकी श्रद्धा मांगते हैं तो जब मेरे हर पेरेंट की चिंता होती है तो मैंने मैंने एक बार गुरु का फोन आ गया तो गुरुजी ने कहा जैसे पूछते थे और की करता पे हैं की गल है तो बात भी नहीं मुँह से निकलती थी इतनी एक्साइटमेंट आ जाती थी किसी समय भी आ सकता था गुरु जी का फ़ोन मैं कहा जी मेरे मुँह से निकल गया मैं जी मैं बड़ा परेशान है कहते तू क्यों परेशान है मैं कह गुरु जी को छोटी बेटी का रिश्ता करना है फोन पढ़ लिया है तन्नू का फिक्र है मैं जो बैठा मैं करांगा इस तरह वो आपकी सारी चिंताएं ले लेते हैं उनके कहने की देरी है उसके बाद उसके रिश्ते की प्रपोज़ल आ गई और वो प्रपोज़ल हमने गुरु जी से अप्रूव भी करवा ली गुरु जी ने अप्रूव कर दी और फिर जिस दिन शादी थी उस दिन देखो गुरु जी की महानता मतलब मुझे ये तो याद नहीं है कि अभी मैं हाँ ज़रूर अभी याद आता है कि शायद मैं स्वीट्स लेके गया हूँगा और शायद कार्ड मुझे नहीं पता मैं कार्ड क्योंकि आम संगत जिनके घर में ऐसे फंक्शन होते थे मैंने देखा था दिल्ली वाले में वो अपने कार्ड्स लेके आते हैं गुरु जी को देते हैं क्योंकि लेकिन मेरे को शायद नहीं पता कि मैंने ऐसे किया था बस गुरु जी की ब्लेसिंग ले ली गुरु जी ने कहा कि करो तो जिस दिन शादी थी उस दिन गुरु जी का फ़ोन आ गया कितने हैं मैं दसाया गुरु जी ऐसे ऐसे आज शादी है गुरु जी अच्छा ठीक है कर जाएगा जलंधर क्योंकि उस समय कुछ इंसिडेंट हो गया था सुदामा भैया जो सेवादार थे हमारे जल्द मंदिर के उस समय उनके घर में शायद कोई मिसैप हो गया था कोई गुजर गया था वहाँ पर गांव में तो इसलिए मुझे कह रहे थे कि अच्छा कोई नहीं तो अब जाएगा तो उसे कहना कि भी मैं मैंने उनका सब देख लिया है कोई फिक्र ना करे तो मैंने कहा गुरु शादी है गुरु मैंने पूछ लिया आप आओगे हाँ मैं आ रहे हैं कहते मैं आ रहा हूँ ओह मैं तो मैं तो मैंने कहा गुरुजी मैं समझ ही ना मैंने उसी समय जो अरेंजमेंट्स कर रहे थे मैंने जहाँ स्टेज पे दुल्ह दुल्हन की चौकी लगी थी का तो सोफा लगा था मैंने गुरु जी अलग से आसन लगवा दिया गुरु जी के लिए तो अपना और गुरु जी उसका सारा माहौल ही बदल गया गुरु जी आए लेकिन गुरु जी ऐसे साक्षात नहीं आए गुरु जी की कृपा आई गुरु जी आते हैं जैसे अदृश्य रूप से आए उन्होंने ब्लेस किया और सब मुझसे पूछने लगे कि गुरुजी आ रहे हैं गुरुजी आए हुए हैं क्योंकि बिल्कुल ही अलग सा अलग सा उत्सव लाइक वो सारा अरेंजमेंट हो गया तो इस तरह गुरु ने अपनी वो कृपा की आके ब्लेस की और वो चले गए फिर उसके बाद संगत जी एक बार इस बच्ची का कुछ सामान भेजना था तो दिल्ली से कोई संगत आई दिल्ली से जो संगत आई वो तो किशोरी अंकल के बेटे की शायद शादी थी अटेंड करने के लिए आई तो मैंने कहा मेरी वाइफ ने कहा कि ये संगत आई है इनसे पूछ लो कि थोड़ा सा सामान जो है बेटी का ले जाएंगे लेकिन वो फरीदाबाद रहती है तो उसको देना है मैंने उनसे पूछा तो दे रेडीली एग्रीड वो कहते हैं हाँ हम ले जाएंगे आप फिक्र ना करो हम वहाँ पर आप एड्रेस दे दो तो हम वहाँ आपके डॉक्टर के घर भिजवा देंगे तो जिस दिन गुरु ने ये सामान मेरी डॉक्टर के घर भेजना था उस दिन वो अपने घर में दोपहर के बाद का टाइम था काम कर रही थी शायद वो सर्दी का टाइम था बाहर कहीं प्याज प्यूज डले हुए थे तो वो प्याजों को छेड़ छेड़ छोड़ रही थी धूप में तो उसको वहाँ से बहुत गुरु जी की फ्रेगरेंस आनी शुरू हो गई अरे उसने कहा कि गुरु जी की गुरु जी आ गए गुरु जी की फ्रेगरेंस ये प्याज में से गुरु जी की फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो आ गए डॉक्टर पुनीत के पापा डॉक्टर बजाज अंकल वो आए और उन्होंने कहा कि बेटा ये आपका सामान आया था जानदर से तो मैं ये देने आया हूँ तो इस तरह गुरु जी गुरु जी अपनी संगत के साथ रहते हैं गुरु जी अपनी संगत के साथ आते हैं तो इस तरह गुरु जी ब्लैस करते हैं कितना ही नहीं एक बार ये जब शादी के बाद इन्होंने बच्चों ने कुछ अपने पेरेंट्स के साथ आ, कुछ फर्नीचर लेना था तो ये महरौली रोड के ऊपर फर्नीचर लेने के लिए चले गए जब ये फर्नीचर वहाँ एम जी रोड जो उसकी थी, थी जहाँ पर एम्पायर स्टेट का छोटा मंदिर है उस सड़क पे चले गए तो देखते देखते ये वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर एम्पायर स्टेट का गेट है तो एम्पायर तो जैसे ही वो एम्पायर स्टेट का गेट आया तो मेरे सामने लॉन ने अपने पेरेंट्स से बोला कि मम्मी पापा ये नेहा के गुरु जी का यहाँ पर मंदिर है तो गुरु जी की कृपा सब उस समय क्योंकि सिवाय मेरी बेटी के उस परिवार में और कोई गुरु जी के नहीं मानते थे तो उन्हें पता नहीं था तो ना ही वो मानते थे तो उन्होंने उसी समय कहा पूछ लो मगर डॉक्टर जाना चाहती है तो हम चलते हैं अंदर दर्शन कराते हैं गुरु जी इस तरह अपने शरण में बुलाते हैं ये लोग गए जब गुरु जी के वहाँ पर किचन में वहाँ पर वो जो साइड रैक है दरबार हॉल में जो रूम के साथ पड़ा होता है जहाँ गुरु जी आम अपने अपने रूप में गद्दी पे बैठने से पहले जैसे बैठते थे सिंपल वहाँ पर बैठे हुए थे तो इन्होंने बेटे जाके माथा टेका तो गुरुजी ने बोला गुरुजी ने पूछा होगा कौन है तो सिंगला अंकल ने बताया गुरु जी धर्मेंद्र दी बेटी है हाँ कहते मैं ही तो ब्याह कराया है तो उनको ब्लैस किया मेरे इसकी इसके इसके इन लॉज़ को भी ब्लैस किया साल लॉ के भी ब्लैस किया फिर उन्होंने कहा कि बैठो यहाँ पर और अपना लंगर प्रसाद ले के जाना तो इस तरह उन्होंने ब्लैस किया और मेरी बेटी मुझे कहती है पापा ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई अपने घर से अपने माँ बाप या अपना भाई अपनी बहन को या अपने बच्चे को विदा करता हुआ प्यार करता है ऐसी फीलिंग्स मुझे दी ये ये है गुरु जी का प्यार ये है गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो बिना मांगे देते हैं बिन बोलियाँ देते हैं आप आ, आ, आ आपको आपको ब्लेस करने के लिए खुद बुलाते हैं आपके घर आते हैं हम हमें भी वो सौभाग्य मिला था कि गुरु जी ने दो बार अपने शुभ चरण हमारे घर में डाले थे और बस हमारी तो दीवानगी समझ लो समझ ही नहीं आता था परमात्मा साक्षात प्रभु आए हैं तो हमारी हमारा कल्याण किया हर पर कल्याण किया जिस दिन से गुरु जी की शरण में आए हैं उस दिन से जीवन जो है बहुत ही सिंपलीफाई हो गया स्मूथ हो गया चिंता कोई होती ही नहीं है अगर आती है मन है ना भटकता है परिवारों में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ऊंच नीच कुछ ना कुछ आती ही रहती है लेकिन वो गुरु जी उसको थाम लेते हैं अब बहुत बड़ा भरोसा है कि गुरु जी आप हो ना जो हो रहा है जो कर रहे हो बढ़िया ही होगा आप आप रक्षा करते हो ना जब आप जब आप सूल को कांटा बना देते हो दुख को ख़त्म कर देते हो तो सा, आप साथ हो तो फिर किस बात की चिंता है आप है ना बड़े चिंता करने के लिए तो एक बार इनके शादी के बाद ये बच्चे घूमने के लिए शायद दिल्ली गए थे तो इनका रास्ते में एक बहुत बड़ी स्लाइड थी वो जब जाते हैं फरीदाबाद से दिल्ली जाते हैं जिस रास्ते से ये जा रहे थे इंक्लाइन थी वहाँ पर इनका जहाँ कार जा रही थी कार के आगे या पीछे एक वो जा रहा था बड़ा टैंकर लोडेड टैंकर जा रहा था तो जिसकी शायद ब्रेक्स फ़ेल हो गई ब्रेक्स फ़ेल हो गई और इनकी जो गाड़ी थी उसकी ब्रेक्स फ़ेल होने की वजह से इनकी गाड़ी पीछे थी और ये इनकी गाड़ी जो है वो उस टैंकर के नीचे जो नीचे को घुस गए उस समय मैं और मेरी वाइफ जलंदर मंदा माथा टेकने गए हुए थे और मैंने माथा टेक के हमें थोड़ा सा आगे आ, सिटी जाना था तो मैंने इजाज़त ली मैंने सुदामा भैया अभी हमें ये नहीं पता था कि इन बच्चों के साथ ऐसा हो गया है तो मैंने सुदामा भैया से कहा सुमा जी चलो इजाज़त दो हमें तो अब हम चलते हैं थोड़ी देर माथा टेक के जो बैठ गया तो सुदामा भैया ने अपने वन से कहा मुँह से बोले कोई नहीं जाया अंकल फिर आ जाना तो ये शब्द ये शब्द सुदामा जी नहीं कह रहे थे ये शब्द गुरु गुरु जी कह रहे थे गुरु जी के ये शब्द थे तो हमें लगा हमने एक दूसरे का मुँह देखा हमने तो बोला सुदामा जी हम जा रहे हैं तो ये कहते हैं जाया फिर तो हम जैसे ही थोड़ा सा निकले मंदिर से दस मिनट आगे गए तो मुझे मेरे ब्रदर लॉ ने कॉल किया वरीदाबाद से कॉल कर रहा था कि आप कहाँ पर हो मैंने कहा ऐसे आए हुए सिटी आए हुए बोले अपनी गाड़ी एक साइड पार्क करो मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो उन्होंने पार करवा दी मैंने क्या बात है तो उसने बोला कैसे ऐसे, ऐसे मेरे डॉटर का नाम लिया और उनका लिया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया कैसे तो, तो कहता फ़िक्र ना करो वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं कोई खरोच नहीं आने दी गुरु ने उनको और बिल्कुल ठीक है वो तो मैंने कहा गुरु ने नहीं आने दी खरोच उन्होंने कहा कोई खरोच नहीं आई लेकिन गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई है तो उसी समय हम वापस लौटे आगे वापस गुरुजी की शरण में आ गए गुरुजी किस तरह आपको पहले से ही पता था और तभी सुदामा जी के मुंह से निकलवा दिया आपने कि आप जाए अंकल आज आप यहाँ पर आ जाना तो इस तरह वो करते हैं आफ्टर दैट उसके बाद इसकी आगे की जर्नी शुरू होती है कि इसको इसके हस्बैंड ने मन बना लिया कि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए या हमें यूएस में आना है इनके पास कोई साधन नहीं थे ना तो कोई मनी के साधन थे ना कोई अदरवाइज़ थे क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस से पहले आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आना पड़ता है फिर आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ता है वो भी तब आना पड़ता है पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम्स मार्क्स आने चाहिए फिर इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी फिर आपको एडमिशन मिलेगी तो मैं यार ये इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इनके हेडलाइंस को टच कर रहा हूँ तो गुरुजी ने साधन बनवाया वो दो हज़ार दो नौ में यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए जब एग्ज़ाम देने आए तो यहाँ एग्ज़ाम दिया उसमें मार्क्स भी जो हैं जो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स थे उससे ऊपर इनके मार्क्स आ गए अब उसके बाद इंतज़ार शुरू हो गई कि भी इनके इंटरव्यू की कॉल आएगी पर वो इंटरव्यू की कॉल इनको नहीं आ रही थी इन्होंने इन्होंने उस समय इससे पहले एक बात मेरी डॉटर ने मुझे कही क्या पापा ये ना यूएस की जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी है उसमें उसके लिए हमने ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि बाकी जगह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कई जगह जैसे न्यूयॉर्क है और है वहाँ पर तीन साल का कोर्स है और फिर तीन साल की फ़ीस देनी पड़ेगी तो ये कोर्स भी दो साल का है फॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ जो भी डिग्री करके आते हैं बी करके आते हैं उन्हें दोबारा से दो तो साल की पढ़ाई करनी पड़ती है तीन साल की करनी पड़ती है तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा गुरु सब करेंगे कहते पापा मनी तो है नहीं मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी है ना जिन्होंने ये सोच दी है जो कर रहे हैं जो आपको बढ़ा रहे हैं तो वो आगे इसके साधन भी बनाएंगे आप किस बात की चिंता करते हो तो मैंने इन बच्चों को बिना बताए एक एक चिट के ऊपर लिख दिया बॉस्टन के इसलिए लिख दिया कि गुरुजी जी आपके आप, आपके चरणों में अरदास रख रहा हूँ ये बच्चे बॉस्टन में चाहते हैं तो इनका बॉस्टन में एडमिशन करवा दीजिएगा एंड इसके बारे में मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया कि मैंने ऐसा किया है तो गुरु जी के स्वरूप के आगे उनके चरणों में रख दिया तो बस ये फिर इनका प्रक्रिया शुरू हो गई तो किसी से गुरु जी ने साधन बनवाए इनके लिए वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ गई इंटरव्यू कॉल आ गई तो इनके लिए फिर एडमिशन का भी उनका उन्होंने लेटर इशू कर दिया एडमिशन आ गई अब सवाल हो गया तो फ़ीस कहाँ से देनी है फीस के लिए ना मेरे में सक्षमता थी कि इतना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन करोड़ रुपीज द एक्सपेंस ऑफ द टू ईयर्स कि भाई दे पाएँ हम और ना इनके 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 सारे फैमिली में था तो ये बड़ी उदास हो गई कहती पापा हमने तो ममा हमने तो एग्ज़ाम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए जो धन कमाया था जो यहाँ प्रैक्टिस में कमा रहे थे वो सारा लगा दिया हमने वो भी गुरु जी की कृपा से इन्होंने इनको मिला वो प्रैक्टिस जो बहुत ज़, नई जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो बहुत टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं स्लो चलती हैं लेकिन जब इनको वो सारे अप्लाई करने थे तो इन दोनों में इनकी प्रैक्टिस का इतना इंज़ाम कर दिया गुरु जी ने कि ये पैसे इनको अपने पेरेंट्स से नहीं मांगने पड़े कि कुड पे फॉर ऑल दिस तो वो इस तरह कहने की वो तो चलो कर दिया हमें तो करवाते ही ना हमने ऐसे ही कर दिया क्योंकि मैंने को यही कहता रहा था कोई बात नहीं बैंक से लोन मिल जाता है कोसाइनर मिल जाएगा तो हम कोई ना कोई कोसाइनर फैमिलीज अपने सारे इतनी फैमिलीज़ हैं किसी ना किसी से कोसाइनिंग करवा लेंगे लेकिन देखिए कृपा सबसे को सबसे मना होता गया तो सभी ने कहा हमने उसका किया हमने उसका किया है हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है तो मैंने कहा फिर भी ये मैंने कहा अपनी डॉटर को फिक्र मत करो आप भेजा ना वो मालिक ने गुरुजी है ना अपने आप कराएंगे गुरुजी आके को साइन करेंगे आप चिंता किस बात की करते हो तो वही हुआ वन फाइन मॉर्निंग शी कॉल्ड मी के पापा हमें कोसाइनर मिल गया किसी इनके और कोई दो कज़न का दोस्त था जो जिन्होंने कनाडा से अपने यहाँ किसी को फ़ोन किया और कोसाइन मिल गया और इस तरह इनका फर्स्ट ईयर की स्टडीज़ का ख़र्चा मिल गया बच्चा आ गया उसने पढ़ना शुरू कर दिया सेकेंड ईयर के लिए भी इस तरह फिर अगेन दोबारा चल गया कि अब कोसाइनर फिर चाहिए बैंक से लोन लेने के लिए उसके लिए भी गुरु जी ने साक्षात गए मैं सुखमिनी साहब का भी पाठ करता था बैठा पूजा कर रहा था तो मुझे बस गुरु जी ने विचार दे दिया कि ये ये फलाना बंदा तेरा को साइन करेगा तो वो मैंने उसका कॉन्टेक्ट किया तो उसने ही केम फॉरवर्ड और इनके लिए को साइन कर दिया इस तरह ये बच्चा यहाँ से एम डी एस कर पाया दो साल में पढ़ाई कर ली नौकरी लगवा दी गुरु जी ने बिना किसी साधनों के बिना किसी रिसोर्सेज के बिना किसी पेरेंटल हेल्प के गुरुजी ने इनको इस्टेब्लिश करवाया फिर इस बच्चे ने कोशिश की कि चलो अब मेरी वाइफ के लिए मैं ट्राई करूं मेरी नौकरी लग गई तो अब अब तो मैं मैं अपनी कमाई यहाँ करूँगा नौकरी करूँगा तो इसको पढ़ा सकता हूँ तो इसने एग्ज़ाम देने थे इसको एग्ज़ाम इन्होंने आ, मेरे सन ने बारह में किया ग्रेजुएशन की तो बारह में उसे इन्होंने साथ में बेटी ने एग्ज़ाम की तैयारी कर दी जिस दिन एग्ज़ाम आना था वो इनकी एडमिशन होनी थी तेरह से ना बारह या तेरह से होती ग्यारह की बात होगी इसे मुझे याद नहीं है तो वो जब एग्ज़ाम देना था ये बैकअप कर गई कि नहीं मेरी तो तैयारी नहीं है बिकॉज शी हेड ए लिटिल चाइल्ड इन हर लैब तो भी मेरी तो तैयारी नहीं हुई मैं पढ़ नहीं पाई इतना तो मैं रह जाऊंगी अगर मैं फेल होकर भी मैंने पेपर देना आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई हमें भी लगा कि भाई ये क्या कर रही है इसका एक साल पीछे पड़ जाएगा आगे आगे सेटलमेंट होने के लिए लाइफ में पर ये नहीं मानी इसने छोड़ दिया तो फिर दो महीने बाद वो एग्ज़ाम जो वो एग्ज़ाम इसने छोड़ा था वो इमीजिएट सेशन के लिए था जैसे बारह का सेशन था उसके लिए था और उसके लिए एप्लीकेशंस पहले ही चली जाती हैं ऑलमोस्ट चार महीने पाँच महीने पहले उस सेशन के लिए चली जाती हैं क्लोजिंग डेट आ जाती है उसके और एप्लीकेशंस वो नहीं लेते दो महीने बाद इसने फिर एग्ज़ाम दिया तो गुरुजी ने इसको क्वालिफ़ाई कर दिया क्लियर दैट एग्ज़ाम और फिर वो जो सेशन जो सेशन जो इसने मिस किया था उस सेशन के लिए क्योंकि सान ने इसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ था उस कॉलेज से किया हुआ था तो वो चले गए कॉलेज में अपने डायरेक्टर से मिलने के लिए उन्होंने जाके ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे सर मेरी वाइफ ने अप्लाई किया है तो ये उसने इसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया अपने कॉलेज के लिए तो आप देख लीजिएगा इस अभी हमने रिजल्ट लेट भेजा है आपकी वो डेडलाइन हो चुकी है जो रिज़ल्ट भेजने वाली इस सेशन की तो हमने जस्ट इसलिए भेज दिया कि नेक्स्ट सेशन में उसको आप कंसिडर कर लीजिएगा तो ये आ गए तो पता लगा जी दो महीने बाद गुरु जी ने जो इसका सेशन वो मिस नहीं होने दिया कॉलेज से फोन आ गया कि कैन यू कम ओवर टू कॉलेज तो एंड विद द क्रीडेंशियल्स ऑफ योर वाइफ तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं आ जाता हूँ वो गए तो उन्होंने कहा कि जी हम ना आप 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 अपना फीस के अरेंजमेंट कर सकते हो अगर हम आपकी वाइफ को एडमिशन दे दें दे इस सेशन के इस एडमिशन दे दें दे कॉलेज में तो उन्होंने कहा जी मैंने तो उनको नेक्स्ट सेशन के लिए दिया है तो लेकिन मैं मैं तो अप्लाई नेक्स्ट सेशन नहीं नहीं कहते नेक्स्ट सेशन नहीं हम आपको इसी सेशन में जिसकी डेडलाइन हो चुकी थी ख़त्म हो चुका था और एप्प्लीशंस नहीं लेनी थी उसके लिए गुरु ने बुला के इसको ये ऑफ़र किया और सलाने कहा हाँ जी इनके पास मनी भी नहीं थी फिर भी कहते मैं तो हाँ जी क्या आया सो वी वर सो डिलइटेड फिर वो इशू हो गया टेक्निकल इशू हो गया कि शी वॉज़ डिपेंडेंट वीज़ा तो इसने कहा कि मुझे डिपेंडेंट वीज़ा से हम मैं एडमिशन नहीं ले सकती इस साल कॉलेज ने गलत हमें ऑफ़र कर दिया है हमारे हमारे उन्होंने क्रीडेंशल्स ठीक से नहीं देखे हैं तो मैं तो मैं मेरे को अपना वीज़ा चेंज करवाना पड़ेगा मेरा डिपेंडेंट वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ेगा ओनली देन आई कैन टेक एडमिशन इन द कॉलेज तो मैंने ऐसे एज ए पेरेंट हम लोग लालची होते हैं मैंने कह दिया छोड़ तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उनको कॉलेज को बताने की कि मेरे पास जब वो एडमिशन दे रहे हैं तुम पैसे जमा कराओ और एडमिशन ले लो या पैसों का इंतजाम करो तुम बाकी बात छोड़ो तो नहीं इनका बच्चों का इन्होंने कहा नहीं यू डोंट अंडरस्टैंड वी कांट हाइड एनी अगर उन्होंने नहीं देखा तो हमें तो कॉलेज को बताना है तो दे वेंट बैक टू कॉलेज अगेन और इन्होंने जाके बोला कि जी ऐसी ऐसी बात है इट वाज इट वाज अ मंथ ऑफ जुलाई एंड जुलाई एंड आ गया था उस साल का तो इन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो डिपेंडेंट वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा नहीं है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यू गो बैक यू यू सेंड सेंडर टू इंडिया और वहाँ से अम्बैसी से अपना या स्टूडेंट वीज़ा ले कर अब ये अम्बैसी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट वीज़ा देना है या नहीं देना है ये मैटर ऑफ राइट नहीं है कि अगर आपको कॉलेज ने एडमिशन दे दी है और इसलिए अम्बैसी आपको स्टूडेंट वीज़ा दे ही देगी नो इट इज़ देयर प्रेरोगेटिव उनकी इच्छा है लेकिन हमारे साथ तो मैं जब इसने मुझे कहा कि पापा ऐसे ऐसा मुझे आना पड़ेगा और कॉलेज ने कहा इन्होंने कहा कॉलेज इनका शायद फ़र्स्ट अगस्त से शुरू हो रहा था तो इन्होंने कहा कि जी मैं तो मेरे को अपॉइंटमेंट ही जो नहीं मिल रही है वीज़ा लेने के लिए वो वीज़ा की मिली लास्ट डेट में शायद पता नहीं सत्ताईस अट्ठाईस अगस्त थी या क्या थी ऐसी अपॉइंटमेंट डेट मिल रही थी तो मैं उसके बाद कब मुझे वीज़ा मिलेगा मैं कब आऊँगी तो सेशन शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा नो no प्रॉब्लम अगर आप फर्स्ट वीक में भी आप वीज़ा लेके आ जाओगे तो वी विल एनरोल यू हमें कोई दिक्कत नहीं है उस समय हम आपकी सारी फ़ीस वगैरह लेंगे उस समय मैं आपके लिए वेट करें करने वाले तो परमात्मा है गुरु जी हैं इंसान कौन है तो ये बच्ची अपने हस्बैंड को और अपने छोटे चाइल्ड को यहाँ छोड़ के ये इंडिया आ गई उसने यहाँ से अप्लाई किया वीज़ा लेने के लिए शी केम ऑन अ फ्लाइंग विज़िट अब ये आ गई तो उसमें कुछ स्नैग नज़र आए कि जो अपॉइंटमेंट ली थी उसने मैंने उसमें मैंने फ़ोटो करंट नहीं लगाई उसमें रिसेंट फ़ोटो लगानी होती है व्हाट पापा अगर इन्होंने मुझे वीज़ा नहीं दिया मैं नेक्स्ट सिक्स मंथ तक जब तक मेरे हस्बैंड को वर्किंग ही वाज ऑन एच वन वीज़ा तो उसको जब तक वो वर्किंग वीज़ा नहीं मिलता है उसका नेक्स्ट वर्किंग वीज़ा छः महीने बाद आ रहे हैं तो आई विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू यू एस एंड जॉइन माई हस्बैंड एंड जॉइन माई चाइल्ड मेरा मेरा बच्चा छः महीने मेरे बिना मेका तुम तो ऐसे बेकार की बातें क्यों करती हो बेटा ये तेरा तो कौन कर रहा है तुम थोड़ा कर रहे हो जो ये कर रहे हैं ये गुरु गुरु जी कर रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी करवा रहे हैं हम कोई नहीं कर रहे है. तो आपको वीज़ा भी मिलेगा कुछ नहीं होगा आप अपनी ये सारी अप्रीहेंशंस छोड़ दो और इसने मैंने कहा कोई बात नहीं आपने एक साल पहले जो लिया था वीज़ा उस वीज़ा में आपके चेहरे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें जो आपने हेयर डू है जैसी ड्रेस पहनी हुई है वही तुम करके अब चली जाना ज़्यादा फ़र्क नहीं है तुमने पुरानी फोटो लगाई है तो फोटो वॉन्ट बी एन इशू एंड वीज़ा वोट बी एन इशू तो गुरु जी की अपार कृपा से इस तरह इनको वो मिला वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा मिला शी केम बैक और वापस अपने परिवार में आ गई अपनी पढ़ाई की और इसने शी क्वालिफाइड एंड शी अगेन क्वालिफाइड विद फ्लाइंग कलर्स और उसमें भी एग्जाम्स में गुरु जी हर पल इसके साथ थे उसमें भी यही किस्सा होता था जब भी एग्ज़ैमिनेशन होते थे तो शिवाज मैं तो बिल्कुल नहीं किया मैंने ठीक नहीं किया मेरा ऐसा हुआ बिकॉज़ शी ऑलवेज प्रॉब्लली शी वॉन्ट्स टू डू मोर थोड़ा इनक्यूजिव ज़्यादा है तो मैंने तो पूरे रिजल्ट नहीं दिए थे लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छा किया था वो तो फॉर वन रीज़न द अदर उनको रीअपियर आना पड़ा पर इस बच्ची ने अपने सारे जो थे एग्ज़ाम्स गुरु जी की कृपा से ये सारी आगे बढ़ती गई इस तरह गुरु जी सारे जीवन की हैसल्स जो हैं वो दूर करते हैं और अपने अपने बच्चों का अपने अपने, अपने इनका ख्याल करते हैं मैं आपको यहाँ पर एक और बताता हूँ कि जब गुरुजी 2002 में इंडिया आए थे तो उस समय मेरी डॉटर लॉ बड़ी डॉटर एंड लॉ के दादा ससुर की डेथ हो गई थी दादा ससुर की डेथ हो गई थी तो हम वापस हम आए थे पहले हम ये क्योंकि वो सूरत में थे हम सूरत से वापस आ रहे तो मैंने आके गुरु जी वहाँ समय इंडिया में थे जब आए थे 2002 में थोड़ी देर के लिए आए थे गुरु जी तो मैंने गुरु जी को बुलाया गुरु जी बताया गुरु जी मैंने ना जाना है वहाँ जाना है उन्होंने पगड़ी हैगी मैं जाना है छड़ परा तू कि करना जाके उन्हें जाना ही सीगा कि देर बैठा रहना सी अब गुरु जी ने ये परमात्मा है वो जानते हैं गुरु जी का गुरु जी को कुछ और नज़र आ रहा था जो गुरु जी ने ऐसी गुरु जी हमारी रक्षा करना चाहते थे हमारी सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे थे जो हम नहीं सोचते हम कितने बेवकूफ़ हैं हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हमें अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना है हमें अपने गुरु परिवारों से जुड़ना है हमें अपने गुरु परिवारों का साथ देना है बिना किसी उनके ऊपर एहसान जताए देना है अगर हम जब हम जब सत्संग करते हैं हम जब अपने घर में भी सत्संग करते हैं मेरी हाथ जोड़ बेनती है उसमें जो कोई जिस लायक है जो 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 कैपेबिलिटीज़ गुरुजी ने आपको दी हैं उस कैपेबिलिटीज़ से आप किसी और का गुरु परिवार का किसी समय भी भला कर सकते हैं तो ज़रूर बताइए कि अगर किसी को किसी तरह की इन इन चीज़ों के बारे में किसी तरह में हमारी हेल्प चाहिए हो तो हैसीटेट मत कीजिएगा वो हमारे और आपके बीच में होगा आप हमें ज़रूर बताइएगा हमें सेवा करने का मौका दीजिएगा वही हमारा गुरु परिवार है तो मैं बात बता रहा था तो गुरु जी ने कह दिया और मैंने अपने मन में विचार कर लिया अल्लाह अदा होएगा कुड़मान मेरे कुड़मंद फादर की डेथ हो गई और उन्होंने एको एक बेटा है और प बहू एको एक, एक बहू है तो वो अभी नहीं जावे लैके तो बड़ा सुसायटी के ना नहीं होएगा असी चले गए जी गुरु जी ने बिना दस्य हुए गुरु जी की बिना आग्ञा तो असी चले गए गुरु संगत जी वो हम ट्रेन में जिस ट्रेन में गए थे दैट वॉज़ पश्चिम एक्सप्रेस जलंधर से गए थे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन जिस दिन हमारी ट्रेन ने उस समय गोधरा स्टेशन को पार किया है वो हमारी लास्ट ट्रेन थी जिसने उस स्टेशन को पार किया था सूरज जाने के लिए हमारे पीछे जो ट्रेन आई थी उस ट्रेन को वो गोदरा मसैक्कर हुआ था जब इतने लोगों की डेथ्स हुई थी और अटैक्स हुए थे गुजरात में तो ये मेरे गुरु की महिमा है उन्होंने मेरी रक्षा करने मैं मैं ये क्या कहूँ अब मैं शब्द मुझे बहुत अपने आप को मैं हम्बली कह रहा हूँ कि मेजे हमारे परिवार को बचाने के लिए उन्होंने सारी ट्रेन को बचाया सारी ट्रेन की रक्षा की और उसी को देखते हुए उन्होंने मुझे कहा था कि तूने नहीं जाना तूने क्या करना क्योंकि उन्हें पता था कि उस समय खतरा है जीवन का खतरा है और फिर हम वापस आ गए उस दिन उसके मेरे पीछे से वो बसाखी का पर्व हुआ था 2002 का जो बहुत विशाल और बहुत बड़ा हुआ था और गुरुजी ने अपार कृपा अपनी लुटाई थी जिससे मैं हम मैं वंचित रह गया वो मेरा प्रभु इतना प्यारा है इतना दयावान है इतना करुणा निधि है कि उसने जब हम गए प्रणाम किया तो जिस तरह शुरू गुरु वो मुस्कुरा के और वैसे अपने आभा से अपने वो करते थे तो उन्होंने अपना थोड़ा सा अपना मुझे व्यक्त किया कि तू आज्ञा मानता तो आज्ञा मान के गया तो नुकसान किसका हुआ मेरा ही हुआ बेशक हमें जीवन दान मिला लेकिन मैंने उस समय बहुत कुछ खोया तो मेरी आप सबसे बेनती है सबसे रिक्वेस्ट है गुरु आज्ञा को मानिए अपने जो आपके एहसास हैं जीवन के जो उनके दर्शन हैं जो आपके साथ हैं हर पल आपके साथ रहते हैं और उस एहसास को जिए और औरों के भले के लिए उसको अपने आप को मोल्ड करते हुए उनका कल्याण कीजिए तो इस इन शब्दों के साथ समय हो गया है मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ जय गुरुजी की जय गुरुजी धर्मेंद्र अंकल जय गुरुजी को uh, बहुत बहुत शुक्राना आपका इतने सुंदर सत्संग आपने सुनाए अंकल uh, मैं और आई एम श्योर बाकी सभी संगत वी वर जस्ट ग्लूड टू एंड लिसनिंग टू व्हाट यू वर सेइंग आपका कनेक्ट गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रांग है क्योंकि देखिए जब गुरुजी महासमाधि ले रहे थे पेन yes, बिछोड़े की, बिछोड़े की थी अंकल जो आप उस वक्त समझ नहीं पाए पर जब आप अपना सत्संग सुना रहे थे आई कुड जस्ट विजुअलाइज एवरी थिंग वॉट यू आर गोइंग थ्रू एंड इट वॉज एन इंडिकेशन टू यू जो आपको बाद में पता चला तो आपका कनेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है गुरुजी के साथ सिर्फ आपका नहीं गुरुजी का आपके साथ बहुत स्ट्रांग है एंड ये गुरुजी पे ही डिपेंड करता है कहते तो वो ये थे कि मैं ते सब ले हाँ पर जेड़ा मेनू जिन्ना खीचेगा, मैं उदे को हाँ तो इट वर्क्स बोथ वेज एंड सो यू आर यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड आपके थ्रू हमने आपके इतने सुंदर सत्संग सुने दैट वी आर आल्सो फीलिंग टोटली ब्लेस्ड और अंकल आपने जो शुरू में कहा दैट जो आज के वचन की आपने व्याख्या की आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि जो गुरु जी की ज्योत है अकॉर्डिंग टू द वचन इसे दिन बारी जरूर ज्योत जलानी चाहती है एंड आई एग्री विद यू कि ज्योत चाहे एक्चुअल ज्योत जलाई जाए अगर आप घर में हैं और जला सकते हैं तो जरूर जलानी चाहिए क्योंकि वो एक जो प्योर घी की जोत होती है वो प्योर है और वो वातावरण को शुद्ध करती है और सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है और हम जब गुरु परिवार हैं थ्रू द जोत वी सी गुरु महाराज एज इफ एस सून एज वी लाइट द जोत हम गुरुजी को अपने सामने uh, महसूस करते हैं एंड इट इज गुरु जी इज एनर्जी विच किल्स ऑल द नेगेटिविटी अराउंड अस और जब हम नहीं जला सकते ज्योत तो आपने कितनी खूबसूरती से कहा कि अपने दिल में जोत जलाओ जब गुरु का ध्यान करो तो वो अंदर ही ज्योत जल गई है से कोई क्या आपकी लिखी हुई है नहीं नहीं जी मेरी कोई लिखी नहीं हुई है ये मुझे गुरु जी की कृपा से ही जलंधर मंदिर में किसी संगत के थ्रू मिली थी जी बहुत दो हजार साल से पहले की बात है ये तब मिली थी मुझे बहुत बहुत ही बहुत ही सुंदर है जो पहली थी हिंदी की और इंग्लिश की वो तो मैंने पहले नहीं सुनी बट जो पंजाबी की थी वो जगजीत सिंह की बड़ी प्यारी ये ये पंजाबी का चाहे पंजाबी की प्रेयर कह लीजिए मेरी भी बहुत फेवरेट है जहाँ तू मेरे वल है ता क्या हाँ। मोशन दा तो जब गुरु जी हमारे साथ है तो फिर किस बात की चिंता कोई चिंता नहीं है कोई चिंता नहीं है मैं तो आंटी जी जिस दिन से ये मुझे मिली है मेरे जीवन का हिस्सा है यही मेरी प्रार्थना है मैं एक और प्रेयर करता हूँ इसमें जो मैंने नहीं, नहीं। पढ़ी तो यही यही ऐसी मेरी आराधना शुरू होती है और मैं सबसे यही बेनती करता हूँ कि चलते फिरते ट्वेंटी फोर आवर्स इवन अमृत वेला में भी जा गुरु जी देते हैं उठता हूँ कभी साढ़े तीन कभी चार से कभी सवा चार और उठ के पर बैठ के ये नहीं होता कि बिस्तर छोड़ दो और आप बाहर बैठ के जाके कर लो बिस्तर में ही जागते जागते अपना पाठ शुरू गुरु जी करवा देते हैं उस पाठ की ही लहर में फिर गुरु जी आपने जैसा जीवन देते हैं आगे चलता है मैं कुछ नहीं हूँ ये जो संगत ये जो फोरम ये ऑल ओवर ट्वेंटी फोर सेवन ये जो चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फोरम से ये सबको एनलाइटन कर रहे हैं मैं तो Uh, मैं तो किसी तरह से भी कोई मुझे लगता है कि मैं बहुत हीन हूँ मैं कर ही नहीं पाता जब इतने सुंदर सुरीली आवाज़ों में और इनके एक्सपीरियंसेस और सत्संग सुनता हूँ तो दिल में ये ख्याल आता है क्यों मुझे सुवेश अंकल कह देते हैं करने के लिए आई कांट क्योंकि जो सुनने वाले हैं उनके उनके कानों में ये श्रवण पहुँचेगा तभी फ़ायदा हो फिर गुरु जी हैं मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब मैं सत्संग कर रहा हूँ तो मेरी आँखों में नमी है अपने आप वो गुरुजी देते हैं मैं बयान नहीं कर सकता और गुरुजी से ही प्रार्थना की गुरुजी आपकी स्तुति कौन कर सकता है प्रभु की स्तुति प्रभु खुद ही कर सकते हैं जो शब्द देने हैं जो वाणी देनी है आपने बुलाना है आपने आगे इसको आगे आगे इसको फॉलो करवाना है और शायद कि किसी को किसी को कुछ इसमें से कुछ ग्रहण हुआ हो कुछ मिला हो तो यही आप ही का तरीका है ये उनकी मेहर है मेरी कोई औकात नहीं है मैं किसी लायक नहीं हूँ ये अनंत प्यार मिला है उसको और कई बार मैं अपने से पूछता हूँ तूने तू ऐसा क्या किया भाई किसी तरह से मैं तो कोई लोग इतनी सेवा करते हैं तन मन धन से करते हैं मेरे पास तो बस एक ये भाव ही है प्रभुचरणों में अंकल जी वो भाव भावे गुरुजी को चाहिए और गुरुजी ओनली want simplicity कोई दिखावा गुरुजी को वैसे भी हम कुछ नहीं दे सकते the only thing we can give him is a pure heart love and our love for गुरुजी means हम अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद जितनी कर सकते हैं करें that's what he wants that's the only thing he wants and uh, uh, also अंकल जी I feel Uh, आप ऐसे कह रहे हैं बट जो बाकी सब संगत है दे वेट टू हियर जो संगत गुरुजी के लाइफ टाइम में फिजिकल फॉर्म में जो गुरुजी के साथ जिनको uh, मौका मिला ये सौभाग्य मिला कि गुरुजी के साथ इंटरक्शन हुआ उनके थ्रू जो गुरुजी के एक्सपीरियंसेस आप uh, बताते हैं द संगत यर्न्स फॉर इट और भाव और कल्याण तो होता ही है लोगों को मैसेजेस भी मिलते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट अः एवरीबडी विजुअलाइज गुरु जी कैसे अः uh, बात करते थे क्या करते थे कैसे उनका डे होता था ऑल दिस द संगत लव्स टू लिस्ट अनादर थिंग विच आई लव अबाउट जो आपके सत्संग से एक बार फिर uh, सभी संगत को ये महसूस होगा कि गुरु जी जब एक बार हाथ रख देते हैं और अपना बना लेते हैं वो जीवन भर के लिए होता है आपकी दोनों डॉटर्स को गुरुजी ने ब्लेस किया तो इट वाज नॉट की उस वक्त ब्लेस किया और वो बन गई थ्रू आउट लाइफ टू ऑल ऑफ अस कि गुरुजी जो है हमेशा आपके साथ हैं चाहे आपको ड्रीम आ रहा है या नहीं आ रहा चाहे खुशबू आ रही है या नहीं आ रही बट ही इज मॉनिटरिंग यू जिस वक्त आपको जरूरत होगी वो आपको दिखा देंगे कि आपके साथ जब आपकी जरूरत होगी वो आपके साथ खड़े होंगे और वो आपके पहले ही आपका कल्याण कर देंगे कोई उसको yes, आपको एग्जेक्टलीस एंड अंकल रात एक्सपीरियंस आपकी डॉटर का जब वो इन लॉस के साथ छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट गई तो वो हुँ. मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ जी हाल आंटी आवाज जी आवाज से ली गया और गुरुजी जी वो से करा करो चीज और जब आप नहीं थे जब आप नहीं थे और आपकी बेटी इन लॉस के साथ वहां गई तो गुरुजी जस्ट एज्यूम्ड वो उसके मायके वाले बन गए तो कितने <laughs> प्यार दिया गुरुजी ने सो ब्यूटीफुल आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी लवली अंकल सो आई विल जस्ट से दैट या यही शब्द मेरी yes, डॉटर यही शब्द मेरी डॉटर ने यूज़ किए थे जो आपने मायके वाली बात की है ना मैं ये शब्द मैं उस समय भूल गया कहने दिस वर द वर्ड मेरे मेरे थ्रू गुरुजी ने कहवा दिया एग्जैक्टली दर्शी पटर दिस वर्ड्स पापा ऐसे लगा कि वो मैं मायके आई और मुझे मायके से भेज रहे हैं इस तरह और हाँ मैंने तो मैंने तो शादी की है इसके मैंने ही तो इसको ब्लेसिंग yes. किया मैं ही तो, yes. मैं ही तो मैं देखे बाद में भी ब्लेसिंग करते रहे तो उनकी कृपा है बिन मांगे वो कुछ नहीं मांगते yes. हैं yes. की तेन क्यूँ फिकर तेरी बेटी थोड़ी मेरी बेटी है अंकल जी जैसे गुरु जी ने आपको बोला ऐश करो और आपको ऐश करा रहे हैं आप ऐश करते रहिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अंकल इट वाज वंडरफुल टू लिसन टू योर सत्संग्स और uh, uh, आप, गुरुजी इज विद यू एंड थैंक यू सो सो मच आप सबको कोटी-कोटी नमन सत्संग सुनने का ये सब गुरुजी की मेहर है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा लगा आपको परमात्मा आप सबको गुरुजी आप पर सब पर मेहर की नजर बनाए रखें हम सब उनसे जुड़े रहे हर पल हर श्वास अब जितना हो सके उनका सिमरन करते रहें और उन पर पूर्ण विश्वास रखें बिल्कुल भी अपने मन को विचलित ना होने दें जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं आने ही हैं हम इस संसार में आए ही इसी लिए हैं कि उनमें से गुरु जी हमें पार लगाने के लिए आए हैं और जो वो हमारी झोली में डालेंगे वो हमसे सब हमारे से लिए सबसे उत्तम होगा उससे उत्तम और कुछ हो नहीं सकता इसी विश्वास के साथ हम इसी तरह गुरु चरणों में जुड़े रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे जय गुरु जी की थैंक यू सो मच जय गुरु, गुरु जय जी। गुरु जी महाराज जय गुरु थैंक यू जय बहुत ही बहुत ही सुंदर सटीक शब्दों में इंप्रेसिव शब्दों में प्रभावशाली शब्दों में आपने अपनी संगत की है आज एक एक सेंटेंस इंपैक्टफुल था

मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बाकी आपके जो आपकी आपके तो अंकल बहुत से सत्संग हैं आपके तो मतलब हेड क्वार्टर लगता है सत्संग करते अंकर, हो अंकर आप, आप तो आप तो अंकल आप तो उन गिने हुए संगत में से हो जो कि गुरुजी ने बहुत पहले ही चूज कर लिया जलंधर मंदिर से सच्ची निर्मल आंटी मेरी मेरी निर्मल आंटी से बात होती रहती है और पर इतना अच्छा लगता है आप सबकी बातें सुन के संगत सुन के बस, बस आने वाले दिनों अंकल आप बहुत जल्दी अंकल आमंत्रित करेंगे प्लीज आपका समय ये बस जय गुरुजी अंकल जय गुरु आपकी कृपा है गुरुजी की कृपा है आपको अच्छा लगा ये सब मैं, मैं मैं कुछ भी नहीं थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अंकल आपका ही समय ये सब आपका प्लेटफॉर्म है ये जय गुरु की जय गुरु जय गुरु ओके तने आंटी जय गुरुजी थैंक यू जय गुरु जय गुरुजी अंकल जी एंड वंस अगेन टू थैंक यू धर्मेंद्र अंकल थैंक यू सुरेश अंकल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड सबसे बड़ा शुक्राना मेरे महाराज का जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी महाराज और यू निमेश शंकर जी

जय गुरु जी जय गुरु